अगर उन्नति प्रोजेक्ट को हम हेड करते तो हमें घर से बाहर रहना होगा, अपनी बेटी से दूर रहना होगा, देर रात तक काम भी करना पड़ेगा। इतना तो करना ही पड़ेगा ना चकोर, अगर आपको सूरज की आजादी चाहिए। सानवी रो रही है, चुप ही नहीं हो रही है। हाँ माँ, हम आए। करण, हम एक माँ है और हमारी बेटी बहुत छोटी है, उसे उसकी माँ की जरूरत है, इसीलिए हम बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। आपका ये उन्नति प्रोजेक्ट हम नहीं संभाल पाएंगे। तो क्या कर सकती हैं आप? आई एम सो सॉरी चकोर, पता नहीं अब ये पल के गिरने के बाद मेरा मानसिक संतुलन, आई एम नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। आई एम सो सॉरी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं वकीलों से बात करूंगा और उनसे पता करता हूं कि सूरज को बचाने का कोई और तरीका जरूर होगा। आप प्लीज सानवी को देखिए, प्लीज। आई एम सॉरी, सॉरी। सानवी, अपने जवाई का राग लापने खातिर। ये तो अलापेंगे ही, इनका कोनो अपना थोड़ा ही न मरा है, मगर मत जैसन आंसू बहाई रहीन है, अपने जवाई का हुकिए पर मिट्टी डाली रहीन। और का ठीक बोलत है, इतना सहानुभूति अपने जवाई पर कहाँ है? नहीं भैया, हमका सहानुभूति नहीं है हमारी जवाई पर, बल्कि हमका बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इस सबके जिम्मेदार सुरेश बाबू नहीं है। वो तो सिर्फ गांव का भला सोचते, सबन के लिए अच्छा सोचते, और ये सब कुछ भी आप सबन के लिए तो किए रहे हमरे सूरज बाबू। और आप ही हमका बता, एक निर्दोष आदमी को हम ऐसे ही छोड़ दे जेल में? हाँ कस्तूरी बहन, बिल्कुल ठीक बोलत है। अरे सूरज बाबू तो ये गांव का हमेशा से भला करते आए हैं, फिर वो बुरा काय करेंगे? हाँ भैया, गाँव के पुल का निर्माण तो गाँव के सबन लोगों की भलाई के लिए हो ही रहा था। भले आदमी को बुरा बनने में समय नहीं लगता है, सूरज बाबू की नीयत बदल गई होगी, यही खातिर सस्ते सीमेंट में चूना मिलाई कर पुल बनाई दिया और पुल ढह गया। सही बोला था। देखिए, हम हाथ जोड़ के आप सबन से विनती करते हैं, हम किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं आए हैं, मगर हमका पूरा विश्वास है कि हमरे सूरज बाबू कछु नहीं किए रहे। और रही बात दुख मनाने की, तो हमारी बहन का भी पति मरा है, हम भी बहुत दुखी। बस भैया, हमका अकेले छोड़ दो हमारे दुख के साथ, जाए दियो हमका। ना बहन, ना रो, सब ठीक हो जाए। सूरज राजवंशी, तुमसे कोई मिलने आया? हम जानते थे हमारे लाख समझाने के बाद भी चकोर नहीं मानेगी, हमसे मिलने के लिए आएगी। तू यहां पर क्या कर रहा है? तुझे यहां पर नहीं आना चाहिए था, तू जा यहां से। देख, अगर किसी ने तुझे देख लिया यहां पर तो तुझे भी हमारी तरह अपराधी समझेगा, तू जा। सूरज, तू को कोई अपराधी नहीं समझते हैं। सब जनाओ अंदर। आप सब यहां? सूरज, ये सब लोग ना तो से मिलने आए, जो कछु भी हुआ वो सिर्फ एक दुर्घटना थी और कछु नहीं। इन सब लोगों का बहुत विश्वास है तुम्हारे ऊपर। अब हम क्या कहें आपसे? हम तो बस इतना कह सकते हैं कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। ऐसा नहीं बोलो सूरज बाबू, हमने अच्छे दिन केवल तोहरे कारण ही देखे हैं। तोहरा हम पे बहुत उपकार है, हम जानते हैं कि तुम बेकसूर हो,
हमारा विश्वास इतना कमजोर नहीं है, एक दुर्घटना के कारण टूट जाए बिटुआ। हाँ सूरज बाबू, मौसी बिल्कुल ठीक बोलत। सूरज, हम सबका ना बहुत ज्यादा विश्वास है तोरे ऊपर, मगर गांव में कुछ लोग हैं जिन्हें पुल टूटने का कारण तुम लगते हो। तूने लगने दे छगन, उन्हें मानने दे ऐसा। अगर हमारी कोई गलती है तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। वाह सूरज बाबू वाह। निर्दोष होने के बावजूद भी लोगों के इंसाफ के लिए लड़ो तो ये बहुत ही बड़ी बात। उच्च विचार बच्चा, बहुत उच्च विचार। तोरे ऊपर इतना कुछ हो ही रहा है के बावजूद भी तोरे जबान से केवल फूल झड़ रहे। ये कोनो छोटी मोटी बात नहीं है, किले बहुत बड़ा और बहुत साफ जिगर जाएगी। अगर एक बात बोले रहे, प्रशंसा के लायक तोरा व्यक्तित्व नहीं है। ये प्रशंसा के लायक कौन है तो वह तोरी बीवी। यहाँ तो जेल के अंदर बंद है, अगर वहां बाहर तोरी पत्नी तो को बाहर निकालने के खातिर धरती आकाश एक करे रहे। सही कह रही हो अम्मा, हमारी चकोर हमारे लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है जिसे हम हमेशा अपने सीने से लगा के रखेंगे। हाँ वो तो है ही, ऐसी हमेशा बस दूसरों के बारे में सोचती, अपने बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। पर करण, ये नामुमकिन है। हम दोनों में से किसी एक का चुनाव कैसे कर सकते हैं? एक तरफ सूरज है और दूसरी तरफ आजादगंज की उन्नति, हम कैसे चुनेंगे? मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। आपके सामने जो दोनों विकल्प है वो आसान नहीं है, लेकिन एक बात आप जरूर समझ लीजिए कि जो सूरज पे आरोप लगा है उसकी वजह से उसको कम से कम नहीं तो 14 साल की सजा हो सकती, जिसका यह मतलब है कि आप अपने पति से 14 साल के लिए दूर रहेंगी। छोटी सानवी अपने पापा से दूर रहेगी और एक मां को अपने बेटे से दूर रहना पड़ेगा। और तो और, आजाद गंज उन्नति प्रोजेक्ट आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। लेकिन चकोर, अगर आप हमारी इस ऑफर को मान लेती हैं और प्रोजेक्ट हेड बन जाती हैं तो सूरज की जमानत हो जाएगी और आपको अपने पति वापस मिल जाएंगे। उन्नति प्रोजेक्ट भी वापस चल पड़ेगा, सर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। क्या कहती हैं आप? हर जगह तो खुशियां होंगी, लेकिन हमारी बेटी खुश नहीं होंगी, क्योंकि आप अपने काम के लिए उसे उसकी मां छीन लेंगे। माफ कीजिए चकोर जी, हम जानते हैं फैसला मुश्किल है, पर आपको दोनों के बीच एक चुनना ही होगा। देखिए, हम इस वक्त कोई फैसला नहीं ले पा रहे, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम सोच समझ कर अपना फैसला आपको बताएंगे। बिल्कुल, I understand चकोर, please take your time। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया काम किया आपने, ये आपके लिए और ये आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप जा सकते हैं। अरे बिटिया, पापा याद आ रहे ना? पापा जल्दी आएंगे।
अरे बहू, बहुत अच्छा हुआ जोन तुम वापस आ गई। क्यों, क्या हुआ गिरजा मौसी? अरे देखो ना बिटिया, सानवी के हाथ में सूरज बाबू का एक तस्वीर का लग गई। अरे वो को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, ना कछु खा रही है, ना पी रही है और ना ही दूध पी रही है। अरे कितने सारे खिलौने से इसका मन बहलाने का हमने कोशिश किया, पर ये कि ना कुछ खा रही ना पी रही है। देखो क्या हुआ सानवी, आपको डैडी की याद आ रही है? गिरजा मौसी, ये क्या हुआ, ये बिजली कैसे चली गई? बिटिया हमको लगा था कि बिजली कट गई। कट गई कैसे, बिजली का बिल नहीं भरा था क्या? बहू हमका बिल नहीं मिला, वरना हम खुद ही भर आते। अभी सब काम तो सूरज बाबू ही करते आए हैं और उका बात ना जाने ये सब कौन करिए। चकर वो पुल गिर गया है। बहुत सख्मी हमारी पाकी दीदी, डॉक्टर बोल रहे पता नहीं बचेगी या नहीं। मिस्टर सूरज राजवंशी को अरेस्ट करने आए हम। सानवी की अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवाना, उसे अपने जैसी बनाना, हिम्मत वाली, किसी से ना डरने वाली। सानवी राजवंशी नाम होना चाहिए। जो सूरज पे आरोप लगा है उसकी वजह से उसको कम से कम नहीं तो 14 साल की सजा हो सकती है। अगर आप हमारी इस ऑफर को मान लेती हैं और प्रोजेक्ट हेड बन जाती हैं तो सूरज की जमानत हो जाएगी और आपको अपने पति वापस मिल जाएंगे। गिरजा मौसी, अब सानवी को संभालिए ना थोड़ी देर, हमें एक फोन कॉल करना है। अच्छा टिक टिक थ्री, टिक टिक टू, टिक टिक वन एंड बूम। करण ओब्रॉय, तुम कितने बड़े अंतर्यामी हो, कौन कब क्या करने वाला है तुम पहले ही जान जाते हो। देखा, आया ना चकोर का फोन। हेलो चकोर जी, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूं जी। आप पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई हैं जी, मैं आपको वहीं मिलता हूं, नो प्रॉब्लम। स्वीट स्वीट चकोर, तुम इतनी इमोशनल बेवकूफ लड़की हो, मुझे पहले से ही पता चल जाता है कि तुम क्या चाहते हो, इसलिए तो हम यहां पहुंच गए। इंस्पेक्टर साहब, आपने हमें बाहर क्यों बुलाया? आपको रिहा किया जाता है मिस्टर सूरज राजवंशी, आप आजाद हो, यहां साइन कीजिए। रिहा किया जाता है, हम समझे नहीं। आप हमें गिरफ्तार करके इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आपके हिसाब से हम जिम्मेदार हैं पुल गिरने के लिए, और अब आप हमें रिहा कर रहे हैं क्योंकि आपकी वजह से पुल नहीं गिरा। आप मुजरिम नहीं हो, असली मुजरिम पकड़ा गया। क्या, कौन है असली मुजरिम? हम हैं असली मुजरिम। हम है असली मुजरिम। करण आप, ये चकोर, ये सब क्या? तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें सब कुछ बताते। हाँ सूरज, तुम अपनी पत्नी की बात मानो और यहां से चले जाओ, हमारी फिक्र मत करो। निर्दोष होकर भी तुमने यहां पे बहुत वक्त गुजार लिया है, अब जाओ और अपने परिवार के साथ रहो। सानवी अपने पापा का इंतजार कर रही होगी, उसके साथ जाओ और खेलो, हम ठीक है। और हमारी तरफ से सानवी को प्यार देना। कम ऑन सूरज, प्लीज जाइए यहां से, गो।
चलो। हवलदार। चकोर ये सब? सूरज, ये करण ने किया है। उसने ये सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया क्योंकि वो जानता है कि उसका वकील उसे बहुत आसानी से बेल दिलवा देगा। तुम चिंता मत करो। मतलब करण ने ये सब? हमें तो करण से ये उम्मीद ही नहीं थी। जितना बड़ा वो उद्योगपति है उतना ही बड़ा उसका दिल है। लेकिन चकोर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा दोष अपने सर पे ले लेगा। सूरज, उसने जो भी किया इसका मतलब ये नहीं है कि दोषी तुम हो। हम बस यही आशा करते हैं कि असली मुजरिम जल्दी पकड़ा जाए और उसको उसके किए की सजा मिल जाए। चलो घर चलो। सूरज, सूरजी, आपको नहीं लगता कि इतने लोगों की तबाही और मौत के जिम्मेदार आप हैं? क्या आपके इतने जल्दी छूट जाने में आपके पावर और पैसे का कमाल है? क्या गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या इंसाफ अमीरों ने खरीद लिया है? देखिए, हम आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। चलो सूरज। मैम, आप हमारे सवाल नहीं टाल सकते। आपको अपने सारे सवालों के जवाब सही समय आने पर मिल जाएंगे। पर मैम, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज। घर चलते हैं। नहीं चकोर, पहले हम अस्पताल जाएंगे। हमें सभी जख्मी लोगों से मिलना है और बाकी से भी। ठीक है, चलो। हालत के जिम्मेदार हम हैं। हमें माफ कर दे प्लीज। सूरज, चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा है कि बाकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चकोर, झूठे दिलासे मत दो हमें। बाकी के सर पर चोट लगी और हम जानते हैं ऐसे में होश आना मुश्किल होता है। जब तक इसे होश आएगा तब तक कहीं हमारे आजाद गंज की उन्नति का ये जो सपना है वो धुंधलाना पड़ जाए। ऐसा मत बोलो सूरज। वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या उम्मीद ना आ रहे चकोर? हमें बचाने के लिए करण वो खुद जेल चला गया है। हम अब प्रोजेक्ट हेड नहीं है। ऐसे में कैसे? वैसे नए प्रोजेक्ट हेड की नियुक्ति हुई कि नहीं? हाँ सूरज, कोई ऐसा है जिसे तुम जानते हो, कोई ऐसा जो आजाद गंज की उन्नति में कभी रुकावट नहीं आने देगा, जो आजाद गंज की उन्नति को उसी ऊंचाई पर लेकर जाएगा जहां तुम लेकर जाना चाहते थे। कौन? तुम्हारी चकोर। क्या तुम प्रोजेक्ट हेड बनोगी? कैसे? तुमने तो मना किया था ना। एक्सक्यूज मी, ये हॉस्पिटल है, प्लीज जरा धीरे बात करेंगे, पेशेंट को तकलीफ होती है। जी सूरज, हम क्या करते? तुम्हें जेल से बाहर निकालना था, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, और ये करण का ही सुझाव था। अच्छा, अब पता चला हमें। वो करण तो पहले से ही तुम्हें प्रोजेक्ट हेड बनाना चाहता था। सूरज शांत हो जाओ, ये बात हम बाहर चलकर करते। चलो, मैं कहीं नहीं जाना है।